ये सच्चाई है। और हरियाणा की सरकार पहला कदम है, हरियाणा की सरकार आएगी यहां पे बदलाव आएगा, मगर फिर दिल्ली में जब सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने माइंड में एक बात रख ली है, आपने कहा इज्जत बहुत जरूरी है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर मैं चाहता हूं, मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है, ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग हाथों से चलाते हैं, खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दो। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। मैंने आपको धान की बात बताई कि जैसे ही हमारी सरकार चुनी जाएगी वैसे ही धान का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। और आखिरी बात, ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टी है, इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ न्याय दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में भाषण करवाना हो, कोई मुद्दा हो आपका, सरकार पर प्रेशर डलवाना हो, यहां हरियाणा में आके आपसे बात करनी हो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, आपको कहना है राहुल इधर आओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और कांग्रेस के कार्य